तो इसलिए एक भजन गाएंगे जो कृष्णा बुक के शुरुआत में है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब दक्षिण यात्रा गए थे तो ये भजन गाते हुए जाते थे। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा कृष्णा 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 रक्षा कृष्णा 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 आहि नाम कृष्णा 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 आहि नाम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा राम राघव राम राघव राम राघव राम राघव कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव आहि नाम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव आहि नाम कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामा कृष्णा 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 रक्षामा कृष्णा 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 पाहि नाम कृष्णा 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 पाहि नाम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामा राम राघव राम
केशव पाहि नारायणं नमस्कृत्या
चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय जनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के सैटरडे कार्यक्रम में। तो आज नया साल का भी शुरुआत है हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो बहुत शुभ तिथि है और बहुत शुभ तरीका है ये साल भगवान का कथा सुन के शुरू करना। तो अभी हम कृष्णा बुक का चैप्टर 22 से चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 21 डिस्कस किया था। सो लास्ट वीक हमने चैप्टर 21 डिस्कस किया था और चैप्टर 21 का टॉपिक था द गोपीज अट्रैक्टेड बाई कृष्णास फ्लूट। तो लास्ट टाइम हमने कृष्ण के वेणु के बारे में सुना था कि कैसे कृष्ण अपना वेणु बजा के इतने सारे चीज करते हैं और लोगों को मोहित करते हैं। तो ये जो अध्याय है ये भी बहुत प्रसिद्ध अध्याय है। तो ये चैप्टर 22 का टॉपिक है स्टीलिंग द गारमेंट्स ऑफ द अनमैरिड गोपी गर्ल्स, कि कृष्ण जो अविवाहित गोपियां हैं उनके वस्त्र चुराते हैं। तो इसको चीरहरण लीला बोलते हैं। तो ये सब हमने कहानी शायद सुना होगा, पर प्रभुपाद यहाँ पे जो सीख दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा अध्याय है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये अध्याय शुरू होता है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो अविवाहित स्त्रियां हैं 10 से 14 साल की उम्र में, वो जनरली हमारे ये वैदिक प्रथा है शिवजी नहीं तो दुर्गा देवी का उपासना करते हैं ताकि उनको एक अच्छा पति मिले, क्योंकि हर स्त्री का हर लड़की का यही इच्छा होता है कि उनको अच्छा पति चाहिए, तो शिवजी या दुर्गा देवी का उपासना करते हैं। तो यहाँ पे वर्णन है कि वृंदावन की जो गोपियां हैं कृष्ण के सुंदरता से आकर्षित होते हैं। तो हमने लास्ट टाइम कृष्ण के वेणु के बारे में चर्चा किया था और हमने ये डिस्कस किया था कि कृष्ण के 4 स्पेशल गुण हैं जो विष्णु में भी पाए नहीं जाते। वो है वेणु माधुर्य। कृष्ण का जो वेणु है बहुत अद्भुत है, विष्णु भी ये वेणु बजाते नहीं है और कृष्ण अपना वेणु बजा के ही बहुत सारे कार्य करते हैं। दूसरा है कृष्ण का लीला, लीला माधुर्य, कृष्ण के लीलाएं अद्भुत है। तीसरा है प्रेम माधुर्य, कृष्ण का अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान। और चौथा है रूप माधुर्य, कृष्ण का जो रूप है इतना सुंदर है हर व्यक्ति उनसे आकर्षित होता है। तो गोपियां जो हैं, जो अविवाहित गोपियां हैं वृंदावन के, वो इतने आकर्षित हो गए कृष्ण के प्रति, वो जाके दुर्गा जी का आराधना करने लगे हेमंत ऋतु में। हेमंत ऋतु मतलब जस्ट प्रायर टू द विंटर सीजन। विंटर सीजन के पहले वाले ऋतु को हेमंत ऋतु बोलते हैं, जनरली अक्टूबर नवंबर। तो ये गोपियां वृंदावन में दुर्गा की आराधना करने लगे और बहुत बड़ा उन्होंने एक व्रत लिया। तो ये व्रत को कात्यानी व्रत बोलते हैं। तो दुर्गा का एक नाम है कात्यानी। तो जहां पे हम रहते हैं शराव में, चोड़न आइलैंड में, वहां पे कात्यानी का मंदिर है। तो गोपियां जाके कात्यानी दुर्गा जी से प्रार्थना करते हैं और उनका इच्छा था कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने का। तो इसलिए तपस्या करते हैं, 1 महीने का तपस्या। और ये पूरे महीने में वो हविष्य अन्न, हविष्य अन्न का मतलब है खिचड़ी जो मूंग दाल और चावल से बना है,
और उसमें बिल्कुल स्पाइसेस नहीं है, टर्मरिक भी नहीं, स्पाइसेस भी नहीं। एक महीना ये तपस्या करते हैं, दुर्गा जी का आराधना करते हैं, और यहाँ पे वर्णन है कि कैसा आराधना करते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठ के यमुना नदी के तट पे जाते हैं, और यमुना नदी के जो मिट्टी है उससे दुर्गा का एक मूर्ति बनाते हैं, एक डॉल, एक पुतला बनाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। और ये जो छोटा सा मूर्ति है दुर्गा का, उसको अलग अलग चीज अर्पण करते हैं, चंदन हो, हीरे जवाहरात हो, उसका अलग सुंदर पेंटिंग करते हैं, और ऐसा दुर्गा जी का पूजा आराधना कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, तो ये हमारा वैदिक प्रथा है कि भगवान का हो या देवताओं का हो, हम उनके विग्रहों की आराधना करते हैं। तो ये जो सिस्टम है गोपियों ने भी पालन किया था, दिस इज कॉल्ड डेटी वर्शिप। तो भगवान हम अलग अलग धातु में इन डिफरेंट मेटल्स, तो यहां पे वर्णन है कि भगवान का जो मूर्ति है पत्थर से बन सकता है, पेंट से कोई बना सकता है, मिट्टी से बना सकता है, लकड़ी से बना सकता है, या मन में ही बना सकता है। तो ये सब अलग अलग रूप है भगवान के, क्योंकि हम अभी बद्ध अवस्था में है, हम भगवान को तो साक्षात देख नहीं सकते, पर भगवान कृपा करके विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हमारे साथ आदान प्रदान कर सके। हरे कृष्ण। तो अभी हम रिसेंटली जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथपुरी में एक जगह है, जगन्नाथपुरी के पास साक्षी गोपाल करके एक गांव है। तो ये जो विग्रह है भगवान का, गोपाल जी का विग्रह, वृंदावन से चल के आते हैं एक भक्त को साक्षी देने के लिए। तो हमारे ऊपर निर्भर है कि हम विग्रहों में भगवान को देखते हैं या मूर्ति को देखेंगे। किसके ऊपर निर्भर है? हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। जो नास्तिक है वो जाके सोचेगा, अरे ये लोग क्या मूर्ति का आराधना कर रहे हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग कर रहे हैं, अंधविश्वास है इनका। पर जिनके पास भक्ति है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेश विलोकयंती यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बजामि। तो ब्रह्म संहिता में वर्णन है, जिसके पास प्रेम के अंजन है वो भगवान को हर एक जगह पे देखते हैं और भगवान का विग्रह बना के भगवान की आराधना करते हैं। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज उनके जर्नियों पुस्तक में ये कहानी लिखते हैं। तो एक साधु थे वृंदावन में जिनका नाम था घनश्याम बाबा। तो वो क्या करते थे, वो रोज यमुना के तट पे बैठ के श्री राधा मिट्टी पे लिखते थे और वो नाम का आराधना करते थे और शाम के समय उसको मिटा देते थे। तो ये इनका भक्ति था, भगवान के नामों के ऊपर श्रद्धा। तो इसलिए यहां पे वर्णन है, प्रभुपाल यहां पे लिख रहे हैं, मिट्टी का हो या पत्थर का हो या किसी भी चीज का हो, भगवान का रूप आ गया उसमें तो उसको हमको सम्मान करना है, वी हैव टू रिस्पेक्ट। तो ये एक साइंस है, एक विज्ञान है, जो ये विज्ञान को समझेगा उसका भक्ति में प्रगति होगा, दिस इज अ साइंस। तो इसलिए गोपियां भी दुर्गा का जो ये विग्रह है यमुना के जो क्ले है उससे बनाते हैं और उसका पूजा करते हैं। तो वर्णन है चंदन से, गार्लैंड से, इंसेंस से। तो विग्रहों की पूजा ऐसे होती है, चंदन से फूल अर्पण करके, धूप अर्पण करके। तो यहां पे वर्णन है गोपियां का एक ही प्रार्थना था कि हमको कृष्ण पति के रूप में चाहिए। एक्चुअली प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, जनरली जो वैष्णव है देवताओं की आराधना नहीं करते, क्योंकि हम कृष्ण का आराधना कर रहे हैं तो देवताओं की आराधना करने की जरूरत नहीं है। यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टम, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। अगर कृष्ण संतुष्ट है तो सब देवता ऑटोमेटिकली संतुष्ट है। जैसे भागवत में उदाहरण है, पेड़ के जड़ पे हम पानी डालेंगे तो पेड़ का हर एक अंग को पानी मिलेगा। तो अन्य देवी देवता भगवान के ही अंश है, इसलिए भक्तों को जरूरत नहीं है बाकी किसी का आश्रय लेने की। इसलिए जब कृष्ण गोवर्धन लीला करते हैं, गोवर्धन उठाते हैं, भगवान का अलग अलग हेतु था गोवर्धन लीला का, पर उसमें से एक प्रमुख हेतु था भगवान इंद्र पूजा रोकना चाहते थे। तो भगवान भक्तों को बोल रहे थे, अगर आप मेरा आराधना करेंगे उतना काफी है, देवताओं के आराधना करने के लिए जरूरत नहीं है। तो कोई पूछेगा, अगर वैष्णव देवताओं का आराधना नहीं करते तो यहां पे गोपियां दुर्गा जी का, कात्यायनी का आराधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि
गोपियों का स्तर अलग ही एक स्तर था। तो हम सब जो भक्ति कर रहे हैं उसको बोलते हैं वैदी साधना भक्ति, हम नियम के अनुसार चल रहे हैं, इसको वैदी भक्ति बोलते हैं। जब बहुत ऊंचा स्तर होगा उसको, तो वैदी साधना भक्ति के बाद रागानुग भक्ति आता है एंड फाइनली रागात्मिक भक्ति जो ब्रजवासियों का भक्ति है, क्योंकि उनका भक्ति इतना है उनको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, दे हैव रीच्ड अ डिफरेंट स्टेज ऑल टुगेदर, है कि नहीं। जैसे कोई नया नया कार सीखता है बहुत कॉन्शियसली रूल्स फॉलो करता है कार का, पर एक बार एक्सपर्ट हो गया तो उसको रूल के बारे में चिंता नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके सिस्टम पे बैठ गया। तो वैसे ही गोपियों का हम नकल नहीं कर सकते, पर गोपियां हमको यहां पे सिखा रहे हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे एक ही हेतु है, कृष्ण की प्राप्ति। तो हालांकि गोपियां गए हैं दुर्गा जी के पास, पर दुर्गा जी से भौतिक वर नहीं मांगते। भगवान गीता में समझाते हैं जनरली जो देवताओं के उपासक हैं या देवी के उपासक हैं, देवी देवता को उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कुछ वर प्राप्त करना है। कामेस्तेस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो अन्य देवताओं के पास जाते हैं क्यों जाते हैं? कामेस्तेस्ते ऋतज्ञान, उनका जो ज्ञान है हर चुका है काम वासनाओं की वजह से। पर गोपियां दुर्गा जी के पास जाते हैं और उनका एक ही प्रार्थना है, मुझे कृष्ण चाहिए। इसलिए प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं द परपोर्ट इज दैट इफ कृष्णा इज द सेंटर ऑफ एक्टिविटी अ डिवोटी कैन अडॉप्ट एनी मीन्स टू अचीव दैट गोल। तो भक्त का लक्ष्य फिक्स्ड है, वो क्या है? कृष्ण की प्राप्ति। वो कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो भी जरूरत है वो करने के लिए तैयार। तो गोपियों ने सुना था ये प्रथा है, गोपियां ये भी करने के लिए तैयार है, दुर्गा जी का आराधना करने के लिए तैयार है, पर उनको कृष्ण की प्राप्ति करनी है। तो श्रील प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं द गोपीज कुड अडॉप्ट एनी मीन्स टू सैटिस्फाई कृष्णा, दैट वॉज देयर सुपर एक्सलेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो ये पूरे अध्याय में गोपियों का महानता के बारे में वर्णन आ रहा है, उनका भक्ति इतना श्रेष्ठ था वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो रोज वो यही प्रार्थना करते रहे एक महीना भर दुर्गा जी से कि हमको कृष्ण पति के रूप में चाहिए, कृष्ण पति के रूप में चाहिए। तो अभी महीना समाप्त हो गया, तो इतना तीव्रता से प्रार्थना किया है। तो इसलिए जब हम भगवान के पास आते हैं प्रार्थना करते हैं हमको ये विश्वास भी होना चाहिए कि भगवान सुनेंगे प्रार्थना को, है कि नहीं। तो भगवान एक महीना समाप्त होने के बाद सुबह सुबह पहुंच गए और गोपियां यमुना नदी में स्नान कर रहे हैं, और उस समय यहां पे प्रॉपर वर्णन करते हैं वहां के जो गांव के जो स्त्रियां हैं, तो नदी का अलग अलग जो तट है घाट है पुरुषों के लिए होता था स्त्रियों के लिए होता था। तो एक जगह पे जहां पे स्त्रियों का जगह था तो वहां पे उनका वस्त्र बाहर रखे सब गोपियां नग्न अवस्था में प्रवेश करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण वहां पहुंच जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, हालांकि अलाउड नहीं है मेन के लिए, ओनली वुमेन एरिया, पर कृष्ण पहुंच जाते हैं। और कृष्ण क्योंकि योगेश्वर है, योगेश्वर का मतलब क्या है? सब योगियों के स्वामी, जितने भी योगिक शक्ति है कृष्ण के पास है, और एक योगिक शक्ति है साइकिक पावर है दूसरों के मन को पढ़ना, और कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण हर एक व्यक्ति के हृदय को जानते हैं। तो अगर हम प्रार्थना अर्पण करें न करें, भगवान हमारे अंदर के प्रार्थना को जानते हैं, He knows our innermost prayer। तो कृष्ण समझ गए कि गोपियों ने इतना तीव्रता से प्रार्थना किया मुझे प्राप्त करने के लिए, इसलिए मैं पहुंच गया वहां पे। और कृष्ण एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से गोपियों को संबोधित करते हैं। तो ये जो जगह है वृंदावन में अभी भी है, इसको बोलते हैं चीर घाट, वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में ये चीर घाट आती है। तो कृष्ण ये वृक्ष के ऊपर चढ़ के गोपियों से बातचीत कर रहे हैं, और कृष्ण गोपियों को बोल रहे हैं हे मेरे प्रिय गोपियां, तो आप लोग यहां पे एक के बाद एक आइए और अपना वस्त्र लेके जाइए। तो कृष्ण सब वस्त्र लेके चढ़ गए पेड़ के ऊपर और गोपियों को बोलता है एक के बाद, साथ में नहीं आने का, एक एक, एक करके आइए और अपना वस्त्र लीजिए। और कृष्ण बोलते हैं मैं आपसे, आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, पर मजाक नहीं कर रहा हूं,
क्योंकि आपने एक महीना कात्यायनी व्रत का पालन किया है, उसका मैं फल देने के लिए आया हूं, आप लोग एक एक करके आइए। तो गोपियों, जो गोपियां हैं, एक्चुअली अंदर से उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनका तीव्र इच्छा यही था कि कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करना। पर क्योंकि उनके अंदर लज्जा है, शायद हम ये लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे, तो स्त्रियों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है लज्जा, शाइनेस। तो इससे स्त्रियों का जो सुंदरता है और बढ़ता है। हम शायद मंडे के मेरे ऑनलाइन क्लास में मैं चर्चा कर रहा था, शिला प्रभुपाद जब वो गृहस्थ थे, वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं, वो दोस्त थोड़ा रईस व्यक्ति था, तो वो प्रभुपाद जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और दोनों हॉल में बैठ के बात कर रहे हैं, दे आर डिस्कसिंग, और घर की जो नौकरानी है वो अंदर आना चाहती है वो कमरे को साफ करने के लिए। सो उस समय वो क्या करती है, हॉल के बाहर ही खड़ा रहती है, अंदर आती नहीं है, क्योंकि दो पुरुष हैं कैसे आएगी, स्त्री के अंदर नेचुरल लज्जा होती है। और ये जो स्त्री है पढ़ी लिखी भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, ऊंचा जात भी नहीं है उसका, पर बाहर खड़ी रहती है, वो इनको कुछ बोलती नहीं है, पर ये जो दो व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझ जाते हैं वो क्या बता रही है। ये दोनों उठ के कमरे से चले जाते हैं और वो अंदर आती है, साफ करती है। तो प्रभुपाद ये कहानी अपने शिष्यों को बोलते हैं और बोलते हैं कि ये जो स्त्री है पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसके पास इतना कैरेक्टर था, लज्जा था, उसके वजह से दो पढ़े लिखे लोग उसको सम्मान देने के लिए उठ के चले गए। तो कहने का मतलब है, जो लज्जा है स्त्री का गुण है, स्त्री का आभूषण है। तो ये जो गोपियां हैं, हालांकि उन्होंने प्रार्थना किया कि हमको कृष्ण पति के रूप में चाहिए, और अभी कृष्ण बोल रहे हैं आप बाहर आ जाइए, पर इनको अभी शर्म आ रहा है, कैसे आएंगे बाहर। तो पहले तो एक दूसरे को देखते हैं, बाद में कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण आप हमारे साथ मजाक मत करो, काफी देर हो चुका है, हम इधर ठंडे पानी में खड़े हैं, वो भी इट्स ऑलमोस्ट लाइक विंटर टाइम, विंटर टाइम है, सुबह का समय है, हम ठंडे पानी में खड़े हैं, तो आप ऐसा मत करो, आप हमारे साथ मजाक मत करो, सुबह सुबह आप तो बहुत नंद महाराज के पुत्र हो, वेरी रिस्पेक्टेबल बॉय, इसलिए आप हमको छोड़ दो। तो कृष्ण फिर भी तैयार नहीं, तो गोपियां बोलते हैं देखो श्याम सुंदर, हम आपके शाश्वत दास हैं, वी आर इटर्नल सर्वेंट्स, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, फिर भी ये चीज हम कर नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है, अगर आप ऐसे ही बोलते गए तो हम नंद महाराज को जाके कंप्लेन करेंगे, आपके पिता को जाके कंप्लेन करेंगे, और अगर नंद महाराज ने एक्शन नहीं लिया तो हम कंस के पास जाएंगे, क्योंकि कंस राजा था, हम कंस को जाके कंप्लेन करेंगे कि आप मिसबिहेव कर रहे हो। तो कृष्ण बोलते हैं देखो आप तो बोल रहे हैं आप मेरे सर्वेंट हो, तो मेरे आज्ञा का पालन करो, आप एक एक करके आइए, आपका वस्त्र लीजिए। और बोलते हैं ठीक है, आप मेरे पिताजी के पास जाके कंप्लेन करोगे, नंद महाराज तो बहुत बूढ़े हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, उनका उम्र हो चुका है, वो एक्शन नहीं लेंगे। तो जब गोपियां देखते हैं कि कृष्ण बहुत डिटरमिंड है, कृष्ण जब निश्चय करते हैं कुछ करने के लिए वो कर लेते हैं, तो गोपियां एक एक करके उनके नग्न अवस्था में बाहर आते हैं, और कृष्ण इनके जो शरणागति है, तो ये पूरे अध्याय में हमको गोपियों का शरणागति दिखता है। तो जैसे मैं बता रहा था, ये कहानी मैं जो शिला प्रभुपाद की कहानी बताया, दैट इज लाइक 50-60 इयर्स अगो, ये जो कहानी है भागवतम में 5000 साल पहले है। इमेजिन करो ये गोपियों के पास कितना लज्जा रहा होगा, फिर भी सब त्याग के नग्न अवस्था में बाहर आते हैं। तो इसलिए शिला प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं, गोपियां हमको सिखा रहे हैं शरणागति का मतलब क्या है। जब कृष्ण गीता में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, तो बहुत बार हमको हमारे इच्छाओं को, हमारे जो मत है उसको अलग रख के कृष्ण की इच्छा के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे, उनका स्वयं का इच्छा था युद्ध नहीं करना है, उनको रण छोड़ के जाने का था, पर कृष्ण फोर्स करते हैं अर्जुन को और अर्जुन तैयार होते हैं। तो भक्त मतलब कृष्ण की इच्छा के अनुसार फ्लेक्सिबल होता है, इज रेडी टू बिकम फ्लेक्सिबल। तो मैं एक्चुअली रामायण पढ़ रहा था, हनुमान जी
जब सीता जी से मिलते हैं तो पहले तो हनुमान जी बहुत छोटा एक रूप लेते हैं सीता के सामने, और हनुमान जी बोलते हैं आप चलो मेरे साथ, मैं आपको वापस लेके चलूंगा भगवान राम के पास। सीता बोलती है आप इतने छोटे हो, मुझे लेके कैसे चलोगे। तो हनुमान जी अपना साइज बढ़ाते हैं और बोलते हैं अभी चलो। तो उसके पहले सीता जी हनुमान जी को पूछते हैं आपका एक्चुअल साइज क्या है, आप छोटे हो कि बड़े हो। हनुमान जी बोलते हैं देखो मैं एक्चुअली बहुत छोटा हूं, मैं बहुत तुच्छ हूं, पर भगवान की सेवा के लिए बड़े से बड़ा बनने के लिए तैयार। मतलब हनुमान जी फ्लेक्सिबल है, उनका रियल साइज क्या है भगवान के इच्छा अनुसार, छोटे हैं बड़े हैं, उनका हेतु एक ही है भगवान को संतुष्ट करना। तो वैसे ही ये गोपियां भगवान को संतुष्ट करने के लिए एक एक करके आते हैं, नग्न अवस्था में कृष्ण के पास आते हैं और कृष्ण प्रसन्न होकर उनका वस्त्र देते हैं। पर इसके पहले कृष्ण और एक बार टेस्ट करते हैं। कृष्ण गोपियों को बोलते हैं देखो मैं तो अभी वस्त्र दे दूंगा, पर आपने और एक अपराध किया है, आपने यमुना नदी में नग्न अवस्था में प्रवेश किया है आप सब लोगों ने, इसलिए वरुण देव के प्रति आप लोगों ने अपराध किया है। तो आप सब लोग क्या करो, हाथ ऊपर करके आप सब लोग वरुण देव को दंडवत करो और माफी मांगो। मतलब कृष्ण देखिए कितना टेस्ट कराते हैं अपने भक्तों को, पहले तो नग्न अवस्था में आ गए गोपियां, फिर भी अभी दंडवत कराने को बोल रहे हैं और गोपियां कर देते हैं। तो प्रभुपाल यहां पे लिख रहे हैं नथिंग कैन कंपेयर टू द कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ द गोपीज। तो गोपियों का जो कृष्ण भावनामृत है उसके तुलना में कुछ भी नहीं है, नथिंग। उनका प्रेम इतना था कृष्ण के प्रति, इतना अगाढ़ प्रेम था कि कृष्ण भी भीग जाते हैं, कृष्ण भी गोपियों के प्रेम के जैसा वो आदान प्रदान नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं गोपियों को वरुण देव के साथ कुछ करने का नहीं था, कात्यानी से कुछ करने का नहीं था, उनको कृष्ण को संतुष्ट करना था बस, और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए जो भी है करने के लिए तैयार। जब गोवर्धन लीला में नंद महाराज पीढ़ियों से जो व्रजवासी हैं इंद्र की पूजा कर रहे हैं, पीढ़ियों से प्रथा है, पर कृष्ण बोलते हैं रोक दो गोवर्धन पूजा, इंद्र पूजा रोक दो और गोवर्धन पूजा शुरू करो, व्रजवासी तुरंत तैयार, इमिडिएटली रेडी टू डू। तो ये भक्त का लक्षण है अपने मत को रख के कृष्ण के आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार। तो इस तरह से गोपियां कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं और वर्णन है कि इससे गोपियों का कृष्ण का जो हृदय है पूरी तरीके से गोपियां चुरा लेते हैं, कृष्ण पूरी तरीके से गोपियों के प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं। तो गोपियां कृष्ण के लिए एक खिलौना जैसे हो गए, कृष्ण उनको बोल रहे हैं नग्न अवस्था में आ जाओ दंडवत करो, सब कर रहे हैं। तो ये शरणागत भक्त का ये लक्षण है, कृष्ण कैसे भी नचाना चाहे नाचने के लिए तैयार, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उनके अंतिम श्लोक शिक्षाष्टकम में लिखते हैं आश्लिष्य वा आदरतम पिनस्तु माम अदर्शना मर्महतम करोतु वा यता तता वा विदहातु लंपतो मत प्राण नातस्तु सैव नापरः। तो ये शरणागति का अंतिम स्तर है, हे भगवान आप मुझे आलिंगन करो या मेरा तिरस्कार करो, आप कुछ भी करो मैं आपका भक्ति करता रहूंगा या करती रहूंगी। सो ये अल्टीमेट सरेंडर है, मानस देहो गेहो जो किचु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर। हे भगवान जो भी है मेरा मन धन शरीर सब आपको समर्पित, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं शरणागति का मतलब क्या है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, आप मुझे मारना चाहें या जीवित रहना चाहे नित्य दास प्रति तुआ अधिकार, मैं आपको आपका नित्य दास हूं, आपका जो अधिकार है आप कीजिए। तो गोपियों का यह 100% सरेंडर था कृष्ण के लिए, पूरी तरीके से शरणागत। तो ये जो एक छोटी सी लीला है इससे गोपियां हम सबको सबसे हाईएस्ट उदाहरण सिखा रहे हैं व्हाट इट मींस टू सरेंडर, शरणागति का मतलब क्या है। तो हमारे लिए जब गोपियां ये नग्न अवस्था में आते हैं कृष्ण के सामने, हमारे लिए उसमें सीख क्या है, जब हम भगवान के सामने जाते हैं हमको हमारा अहंकार रख के जाना है, हम सब ये अहंकार से ढके हुए हैं, ये अहंकार हमारा वस्त्र है,
हम सबके पास अलग अलग डेजिग्नेशन है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब हमारे वस्त्र हैं। वाचाम से जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृणाति नरोपराणि। कृष्ण बताते हैं जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे ही मृत्यु के बाद हम शरीर बदलते हैं। तो ये जो शरीर है हमारे लिए वस्त्र है, और शरीर के साथ अलग अलग डेजिग्नेशंस, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, अलग अलग डेजिग्नेशंस है। पर जब हम भगवान के सामने जाते हैं हमको कंप्लीटली नेकेड जाना है, विदाउट एनी डेजिग्नेशंस। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो नारद मुनि भक्ति का डेफिनेशन देते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जितने भी हमारे उपाधि हैं वो सब छोड़ के भक्ति कर रहा है। जैसे मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने से पहले हम क्या करते हैं, चप्पल बाहर रख के आते हैं, है कि नहीं? तो वैसे ही जब हम भगवान के सामने आते हैं या जब हम हरि नाम करते हैं, हमारे अहंकार को रख के आना है। जो डेटी वर्शिप करते हैं, विग्रहों की सेवा करते हैं, भूत शुद्धि होता है। भूत शुद्धि मतलब मानसिक रूप से हम ये मेडिटेशन करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा के स्तर पे हम विग्रहों की सेवा करते हैं। वैसे जब हरि नाम लेते हैं या भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमको ये भाव में होना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये अलग अलग डेजिग्नेशंस मेरा नहीं है, वो सब मेरा ड्रेस है। पर जब हम भगवान के पास आते हैं वी हैव टू गो कंप्लीटली नेकेड, बिना अहंकार के हमको भगवान के पास जाना है। तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, इसको भक्ति बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे, लॉर्ड कृष्णा वॉज प्लीज्ड विद देम एंड सिंस दे डिजायर टू हैव हिम एज देयर हस्बैंड ही टोल्ड देम एज फॉलोड। तो कृष्ण उनसे प्रसन्न होके कृष्णों को बोलते हैं, एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं माई डियर वेल बिहेव्ड गर्ल्स। एक्चुअली एक तरह से देखेंगे तो ये मर्यादा का उल्लंघन है, नग्न अवस्था में सामने आ रहे हैं, मर्यादा का उल्लंघन है। पर कृष्ण यहां पे बोल रहे हैं माई डियर वेल बिहेव्ड गर्ल्स। हालांकि भारत दृष्टिकोण से उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, पर एक्चुअली भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो कहने का मतलब है जब भगवान कुछ बोलते हैं, भगवान के आज्ञा के लिए कोई जो रेगुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करता है उसमें भक्त का निंदा नहीं होता। जब कृष्ण युधिष्ठिर को बोल रहे हैं आप झूठ बोलो अश्वत्थामा मरिया, और युधिष्ठिर झूठ बोलते हैं, पर उसमें उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। एक्चुअली वो सही में मर्यादा का पालन कर रहे हैं, क्योंकि सही धर्म मतलब भगवान के आज्ञाओं का पालन करना, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो कृष्ण गोपियों को बोल रहे हैं कि मुझे पता है आप लोगों का इच्छा था मुझे पति के रूप में स्वीकार करने का, तो इसलिए आप लोगों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, एंड आई अप्रूव योर एक्शन। और भगवान यहां पे बता रहे हैं हालांकि बाहर दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि गोपियों के अंदर काम वासना है, पर कृष्ण यहां पे बता रहे हैं आप जो कार्य कर रहे हैं परफेक्ट है, क्योंकि ये कामुक कार्य नहीं है, काम वासना नहीं है। भगवान बोलते हैं, एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक बीज होता है, सीड है, बीज है, वो बीज को आप तल दो तवे में, उसके बाद आप बोओगे पौधा नहीं उगेगा, क्योंकि सीड है पर फ्राई हो गया है। तो वैसे ही ऐसा लग रहा है कि गोपियों के अंदर काम वासना है, पर क्योंकि कृष्ण के लिए है ये काम वासना, काम नहीं है प्रेम है। तो इसलिए गोपियों के बीच, कृष्ण और गोपियों के बीच में ये जो संबंध है ऑर्डिनरी काम नहीं है, ये भौतिक दुनिया का कार्य नहीं है, ये कंप्लीटली स्पिरिचुअल है। तो प्रभुपाद ब्रह्म संहिता का एक श्लोक कोट करते हैं, यस्त्वेन्द्र गोपम अतवेन्द्र अहो स्वकर्म बंधान रूप फल बाजन मातनोति कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति बाजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ब्रह्मा जी बताते हैं यस्त इंद्र गोपम अतवेंद्र अहो स्वकर्म। इंद्र गोप का मतलब है कीड़ा, एक छोटा कीड़ा होता है जिसका नाम है इंद्र। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इंद्र गोप से लेके इंद्र तक हर एक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार कार्य कर रहा है, कर्म के बंधन में फंसा है। पर जो भगवान की भक्ति करते हैं,
कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति भाजाम, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनके जो कर्म के बीज हैं ये भक्ति का कार्य उसको फ्राई कर देता है, उसको जला देता है, इसलिए उससे कुछ पाप कार्य होते नहीं है। तो गोपियां क्योंकि उनके पास अनन्य प्रेम है भगवान के प्रति, ये जो कार्य है भारत दृष्टिकोण से, अरे कोई स्त्री पुरुष के सामने नग्न अवस्था में आएगी सो इट इज अ वेरी सिंफुल एक्टिविटी, बहुत पापमय कार्य है, पर गोपियां क्योंकि कृष्ण के लिए कर रहे हैं इट इज नॉट सिंफुल, पापमय ही नहीं है क्योंकि कृष्ण केंद्र में है। और कृष्ण बोलते हैं कि आप लोगों का इच्छा था मुझे पति के रूप में स्वीकार करना, इसलिए मैंने आप लोगों को ये लीला किया है, पर मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगले जो शरद ऋतु है उसमें मैं फिर से आपके साथ मिलूंगा और फिर से आपके साथ रासलीला करूंगा। तो इस तरह से कृष्ण गोपियों के साथ ये लीला करते हैं, तो इसको चीरहरण लीला बोलते हैं। तो आगे जाके ये अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि कैसे कृष्ण वृक्षों का गुणगान करते हैं, तो ये बहुत सुंदर है। तो पहले तो ये अध्याय में कृष्ण ने गोपियों का गुणगान किया, शरणागति क्या है कृष्ण ने सिखाया गोपियों के माध्यम से, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते थे हमारे लिए गोपियां रोल मॉडल है, दे आर रोल मॉडल्स, हम सबका इच्छा है गोपियों का जैसा शरणागति, कंप्लीट सरेंडर। इसलिए जब कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणभूमि में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो आचार्य बताते हैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भी कृष्ण गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, ही इज रिमेम्बरिंग द गोपीज। जब कृष्ण द्वारका में थे और उनके पटरानियों के साथ कृष्ण रहते थे, रात के समय कृष्ण को नींद नहीं आता था, कृष्ण गोपियों का नाम लेते थे, राधा रानी का नाम लेते थे, क्योंकि इतना प्रेम था गोपियों का कृष्ण के लिए। सो दिस इज दी हाईएस्ट सरेंडर। उसके बाद कृष्ण वृंदावन के वन में चलते हुए अपने दोस्तों को संबोधित करते हैं, वो बोलते हैं माई डियर स्तोक कृष्ण, माई डियर वरुता, माई डियर भद्रसेन, माई डियर सुदामा, माई डियर सुबल, माई डियर विशाल, माई डियर अर्जुना, माई डियर ऋषभ। अब कृष्ण के अलग अलग दोस्त हैं, उन सबको संबोधित करके कृष्ण बोलते हैं ये देखो वृंदावन के वृक्षों को, जस्ट लुक एट दिस मोस्ट फॉर्चुनेट ट्रीज ऑफ वृंदावन। तो कृष्ण किसका गुणगान कर रहे हैं, वृंदावन के वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं, और बोलते हैं ये देखो ये वृक्षों ने अपना पूरा जिंदगी दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है, दे आर डेडिकेटेड देयर लाइव्स फॉर अदर्स, और कृष्ण वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं। देखिए भगवान कितने कृतज्ञ हैं वृक्षों के प्रति, और बोल रहे हैं कि ये जो वृक्ष हैं कितना देते हैं लोगों के लिए, पहले तो कितना सहन करते हैं, जो भी हरिकेन है, बरसात है, पियर्सिंग कोल्ड है, बारिश है, ठंडी है, गर्मी है, हर चीज वृक्ष सहन करता है और दूसरों को देता है। तो वृक्ष का जिंदगी है दूसरों को देने का जिंदगी, अपना फल देता है, फूल देता है, पत्ता देता है, छाया देता है लोगों को, और अल्टीमेटली जब व्यक्ति आके वृक्ष को काट देता है लकड़ी भी देता है, और वृक्ष कभी चैलेंज नहीं करता, कभी मोर्चा नहीं करता वृक्ष कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, नो कंप्लेंट्स, सब सहन करते हुए दूसरों को कल्याण। तो कृष्ण वृक्ष का गुणगान कर रहे हैं और बोल रहे हैं देखो हम सबको वृक्ष से कितना सीखना है, मनुष्य समाज को कितना सीखना है वृक्ष से। और कृष्ण ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम का वर्णन करते हैं, एतावा जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिशु प्राणेर अर्थे दिया वाचा श्रेया आचरणम सदा। बोलते हैं वृक्ष हमको सिखा रहे हैं कि कैसे मनुष्यों को जिंदगी सफल करना है, एतावान जन्म साफल्यम, अगर हम सबको हमारा जन्म सफल बनाना है तो कृष्ण यहां पे सीक्रेट दे रहे हैं, सीक्रेट क्या है, वृक्षों के जैसा बनना, टू बिकम लाइक ट्री, देहिनाम या देहिशु प्राणेर अर्तेर दिया वाचा श्रेया आचरणम सदा। तो जैसे वृक्ष के पास अपना पत्ता है, फूल है, फल है, जो भी है वृक्ष दूसरों को देता है, इसलिए भगवान बता रहे हैं वृक्षों के माध्यम से हम सबको कि मनुष्यों को अपना जिंदगी कैसा बिताना है, कैसे सफल बनाना है जिंदगी, जो भी है हमारे पास
लोगों के कल्याण के लिए श्रेया आचरणम सदा। श्रेया का मतलब है वेलफेयर फॉर अदर्स। कैसे करना है? प्राणेर, अपने जिंदगी से जो भी प्राण है, जो भी ऊर्जा है, वो दूसरों के सेवा में। अर्थेर, धन से, विथ मनी। प्राणेर अर्थे दिया, दिया का मतलब है बुद्धि, विथ इंटेलिजेंस एंड वाचा, वर्ड्स। तो चार प्रकार से हमको लोगों का सेवा करना है, सम वे ओ दी अदर। तो भगवान यहां पे बता रहे हैं कि हम सबका जिंदगी का लक्ष्य है दूसरों की सेवा, ट्राइंग टू सर्व अदर्स, द लाइफ ऑफ गिविंग, दूसरों को देना। तो यहां पे कृष्ण वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही सिखाया, यही मार्ग। श्री चैतन्य महाप्रभु भी वृक्ष का गुणगान करते हैं। भक्त को कैसा बनना चाहिए? व्हाट इज दैट वर्स? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरोरपि सहिष्णुना का मतलब है वृक्ष से ज्यादा सहनशील। तो हमको सहनशील बन के दूसरों की कल्याण करना। तो एक्चुअली प्रभुपाद यहां पे लिख रहे हैं कि ये जो कल्याण का मार्ग है, दूसरों को मदद करने का मार्ग है, आसान नहीं है। आसान नहीं है क्योंकि लोग इतने स्वार्थी हैं। आप जिसका कल्याण करने का प्रयास करोगे वही आपको हानि पहुंचाएगा। जैसा वृक्ष है, जो व्यक्ति काटने का आता है वृक्ष को काटता है, वही वृक्ष के छाया में बैठता है, सोता है, फिर से उठ के वही वृक्ष को काटता है, फिर भी वृक्ष अपोज नहीं करता। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं हम सबको वृक्ष से ज्यादा सहनशील बनना है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का भी यही आदेश था और कृष्ण का भी यही आदेश है। दोनों वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हमको वृक्षों से सीखना है और हमको वृक्षों की तरह हमारा जो मन है, बुद्धि है, कार्य है, धन है, वो सबसे लोगों का कल्याण करना है। और लोगों का कल्याण करना मतलब क्या? लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ये भूरी दाजना। तो गोपियां स्वयं, आगे गोपी गीत में वर्णन आता है, गोपियां बताते हैं सबसे बड़े दयालु व्यक्ति कौन है, सबसे करुणामयी कार्य क्या है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो व्यक्ति भगवान का कथा करता है या जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैलाता है, दैट इज द ग्रेटेस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। सबसे महान कार्य वही है। क्योंकि अगर हम लोगों को कुछ कपड़ा देंगे, खाना देंगे, वो कितना देर तक चलने वाला है, दैट्स गुड, बट सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों को ये मार्ग देना, भक्ति का मार्ग देना। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, कर्तव्य क्या है, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को मदद करना। सी, भगवान ने हम सबको अलग अलग स्थिति में रखा है। कोई व्यक्ति अपने बुद्धि से मदद कर सकता है, आइडियाज दे सकता है, कोई व्यक्ति वचन से कर सकता है, लोगों को जाके बोल सकता है बहुत अच्छा सत्संग चल रहा है, आप आइए, दैट्स ऑल्सो प्रीचिंग, है कि नहीं। हर व्यक्ति प्रचार कर सकता है, गीता लीजिए कोई बोल सकता है, दैट्स ऑल्सो प्रीचिंग। कोई व्यक्ति धन से सेवा कर सकता है, कोई व्यक्ति श्रमदान दे सकता है, ही कैन कम एंड डू सम हार्ड वर्क। पर इंपॉर्टेंट क्या है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना है। क्या करना है, इट इज ऑल अप टू अस। ये चारों चीज से या एक चीज से, इट्स अप टू अस, बट प्रिंसिपल है कि हर व्यक्ति को लोगों के कल्याण में, एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कार्य करना है। इसलिए प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं कि कृष्ण जो वृंदावन में चल रहे हैं, कृष्ण वृक्षों को देख के इतना कृतज्ञ है और कृष्ण ये वृक्षों से सीख रहे हैं और कृष्ण ये सब वृक्षों को छू रहे हैं और कृष्ण अपना कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम निस्वार्थ रूप से जीते हैं, भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न होते हैं। यहां पे भगवान वृक्षों का गुणगान कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ जीवन जी रहे, दे आर लिविंग अ सेल्फलेस लाइफ। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, ये जो द लाइफ ऑफ गिविंग, देने का जिंदगी। ये भौतिक दुनिया में हमको प्रोग्रामिंग होता है लेने का जिंदगी। हर व्यक्ति लेना चाहता है, कोई देना नहीं चाहता, है कि नहीं। तो एक कंजूस था जो मर रहा था, पानी में डूब रहा था। तो एक दोस्त था जो नाव में जाता है और उसको बोलता है हाथ दे दे,
तुम्हारा हाथ दे दो मैं पकड़ता हूँ, हाथ देता ही नहीं है क्योंकि उसने उसकी डिक्शनरी में देना है ही नहीं। तो दूसरा दोस्त है वो बोट में, वो बोलता है इसको देने का लैंग्वेज पता नहीं है, तुम बोलो मेरा हाथ ले लो, जब वो बोलता है तब पकड़ता है। तो लोगों के प्रॉब्लम है ट्रेनिंग ही नहीं है, देने का ट्रेनिंग नहीं है। एक साधु ऐसे ही एक किसी के घर में जाता है भिक्षा मांगने के लिए, और जाता है वो जो माता जी है घर में कुछ देती नहीं है, हर बार गाली देके निकलती है, निकाल देती है उसको। एक बार जब जाता है ये, वो इसके जो भी हाथ में टोकरी जो भी था कटोरी था उसके हाथ में आके ऐश जो राख है वो डाल देती है। तो ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, बाकी लोग पूछते हैं अरे इसने तो राख दिया आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे, वो बोलते हैं आज इसने ऐश दिया कल वो कैश भी देगी क्योंकि अभी उसको देने का आदत शुरू हो गया। तो ये एक स्वाद है, जैसे एडिक्शन होता ना, एडिक्शन एक बार लत लग गया तो व्यक्ति करता है, तो वैसे ही सबसे बड़ा एडिक्शन है देने का एडिक्शन। जब ये लत लग जाता है ना देने का, बाद में क्योंकि एक साधु का वही चीज था कि इसको अभी एडिक्ट हो गई, थोड़ा बहुत देने का आदत लग गया, पैसा नहीं राख भी दे रही है पर एटलीस्ट दे रही है, पर धीरे धीरे वो कैश भी देगी। तो वैसे ही हम सबको प्रयास करना है दूसरों को कुछ देने का, भगवान ने हम सबको फैसिलिटी दिया है। इसलिए प्रभुपाद गीता के दूसरे श्लोक 7वें अध्याय में जब अर्जुन कृपणा शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्रभुपाद लिखते हैं दो कैटेगरी के लोग हैं, एक है कृपण दूसरा है ब्राह्मण। कृपण का मतलब है माइजर कंजूस, और कृपण का ऑपोजिट है संस्कृत में ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्रॉड माइंडेड बिग माइंडेड, इसलिए जो ब्राह्मण है उसके पास जो भी ज्ञान है वो बांटता है लोगों को, रखता नहीं है। जो ब्राह्मण है जब धन भी मिलता है उसको जितना उसको जरूरत है उतना रखता है, दूसरा बाकी सब बांट देता है, ही गिव्स इट। कृपण मतलब उसके पास है पर स्वयं भी उपयोग नहीं करता दूसरों को भी नहीं देता। तो इसलिए हमको ब्राह्मण बनना है, ब्रॉड माइंडेड बनना है, और जो भी हमने ज्ञान यहाँ पे हम अर्जित कर रहे हैं जो भी हमको ज्ञान थोड़ा बहुत मिल रहा है दूसरों को देना, दूसरों की कल्याण करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे कृष्ण ये वृक्षों का गुणगान करते हैं, और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी वृक्षों का गुणगान करते हैं कि कैसे वृक्ष सहनशील है। एक्चुअली प्रभुपाद ने बहुत बार तात्पर्य में समझाए हैं, जो भी प्रचार के कार्य में लगे हैं उनको टॉलरेट करना पड़ेगा, यू हैव टू टॉलरेट मेनी थिंग्स। जीसस क्राइस्ट जिन लोगों का उद्धार करना चाहते थे वही लोग उनको तंग करते हैं, वही लोग उनको मारने का प्रयास करते हैं, उन्होंने टॉलरेट किया। हरिदास ठाकुर जिनका उद्धार करना चाहते थे वही लोग आके उनको हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ये दुनिया का नियम है, आप लोगों का कल्याण भी करना चाहो वो कल्याण के मार्ग में भी लोग आके कष्ट पहुंचाएंगे, दैट विल कम। बट देन यहां पे प्रिंसिपल है टॉलरेट, द आर्ट ऑफ टॉलरेंस। इसलिए श्रील प्रभुपाद उनके पुस्तक में एक सेंटेंस लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार है, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय वन्स एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो महान व्यक्ति जो वो है जो कठिन स्थिति को भी सहन करता है, सहन करने के पास उसके पास क्षमता है, शक्ति है। तो इस तरह से कृष्ण ये वृक्षों का गुणगान करते हैं, और ये अध्याय समाप्त होता है कि कृष्ण इस तरह से वृंदावन में चलते हुए अपने दोस्तों के साथ गायों को चराते हैं, गायों को पानी पिलाते हैं, और इस तरह से जो कृष्ण का जो वस्त्र गोपियों का जो वस्त्र चुराने का जो लीला है सुबह सुबह शुरू होता है, और कृष्ण ये वृक्षों का गुणगान करते हुए गाय चराते हुए उनका जो मॉर्निंग है वो समाप्त होता है। सो इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है। थस एंड्स द भक्तिवेदांत परपोर्ट ऑफ द 22nd चैप्टर ऑफ कृष्णा बुक स्टीलिंग द गारमेंट्स ऑफ द अनमैरिड गोपी गर्ल्स। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? तो अध्याय तो हमने बहुत संक्षेप में पढ़ लिया, पर यह अध्याय पर हम जाके मेडिटेट कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि